हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मूवी हम देखने वाले हैं, वो मूवी है द बैड गाइस। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है, तो चलिए देखते हैं अपनी कॉमेडी मूवी। तो मूवी स्टार्ट होती है, एक स्नेक और एक वुल्फ को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। और आज स्नेक का बर्थडे है, लेकिन स्नेक को तो केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वुल्फ उससे कहता है कि यार, केक से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो स्नेक कहता है गिनी पिग, क्योंकि स्नेक को गिनी पिग बहुत ही ज्यादा पसंद है। साथ ही स्नेक ये भी कहता है कि मैं तो हवा का भी स्वाद बता दूं। तो बुल्फी उससे मजे लेते हुए बोलता है कि अच्छा, तुम हवा को भी चख सकती हो और रंगों को भी सुन सकती हो और आवाज को देख भी सकती हो, और अगर हमारे पास ऐसी पावर हो तो हम बहुत माल कमाएं। अब ये दोनों मस्ती करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। अब बाहर की तरफ सारे लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग बैंक लूटने आते हैं, इन्हें देखकर बैंक में आए सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। तो वुल्फ कहता है कि अरे, तुम डरते क्यों हो, हम तो लूट नहीं आते हैं। और इनकी टीम का नाम है बुरे बंदे जो काम करे गंदे। अब बुल्फी हमें अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है। तो सबसे पहले वो अपने लंगूटी यार यानी कि स्नेक से मिलवाता है, जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है। अब क्योंकि इन्होंने बैंक में चोरी की थी, इसीलिए पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। अब एंट्री होती है मिस टेरेंटुला की, इसे बुरे बंदे वेब्स कहकर बुलाते हैं। और वेब्स हर सॉफ्टवेयर को हैक कर सकती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और वो स्नेक के लिए केक भी मंगवाती है, जिसके वजह से स्नेक चिढ़ जाता है। और अब बारी होती है मिस्टर शार्क की, जो कि भेष बदलने में बड़ा ही माहिर है। फिर एंट्री होती है मिस्टर पिराना की, जो कि बैंड बजाने में बड़ा ही माहिर है, पर आज पिराना ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। वो स्नेक का बर्थडे गिफ्ट लाना ही भूल गया। साथ ही पिराना की फार्ट बहुत ही डेंजरस है। अब आखिर में बचता है बुल्फ, जहाँ बुल्फ गाड़ी को चलाता नहीं बल्कि उड़ाता है। तो ये हैं बुरे बंदे जो काम करे गंदे। और बुरे बंदे जान पूछ कर पुलिस को परेशान करते रहते हैं, लेकिन इन्हें तो पुलिस की बैंड बजाने में बड़ा ही मजा आता है। और पुलिस इन्हें सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब बुल्फी कहता है कि हम बंदे बुरे हैं, लेकिन दिल के खरे हैं। अब ये कहते हुए वो लोग अपने अड्डे पर आते हैं, जहाँ इनके पास बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा होता है। अब ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पिराना गाना गाता है। फिर स्नेक अपनी फेवरेट आइस कैंडी निकालता है, तो शार्क आइस कैंडी मांगता है और कहता है कि यार, अपन को भी आइस कैंडी खाना है। लेकिन स्नेक उससे अपनी आइस कैंडी नहीं देता, तो वो आपस में ही आइस कैंडी के लिए लड़ पड़ते हैं। अब बुल्फी कहता है कि चलो जरा अपनी तारीफें सुन लेते हैं। और हर जगह बुरे बंदों की चोरी की न्यूज आ रही थी, और अपने बुरे कामों की न्यूज सुनकर ये बहुत खुश हो रहे थे। तभी शहर की न्यू गवर्नर भी इन पर बात करती है, और वो सारे इन बुरे बंदों को बचकाना कहती है। और ये भी कहती है कि मुझे तो इन पर तरस आता है। लेकिन गवर्नर की ऐसी बात सुनकर बुरे बंदे भड़क जाते हैं। फिर गवर्नर टॉपिक बदलकर गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड के बारे में बात करती है, कि ये कल इस साल के सबसे अच्छे नागरिक को अवार्ड देगी। तभी बुल्फी के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है, जहां वो गोल्डन डॉल्फिन चुराने की बात करता है और कहता है कि अगर हमने उसके नाक के नीचे से गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड चुरा ली, तो उसकी मीडिया में कितनी थू होगी और हम चोरों के इतिहास में सबसे ऊपर होंगे। लेकिन इसके लिए स्नेक नहीं मानता। तो बुल्फी कहता है कि अरे, मैं तो बताना भूल ही गया कि ये अवार्ड एक गिनी पिग को मिलने वाला है। ये बात सुनकर स्नेक के मुंह में पानी आ जाता है और वो इसके लिए मान जाता है। फिर वो अपना भेष बदलकर अवार्ड शो में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ गिनी पिग यानी कि प्रोफेसर मामालेट भी वहाँ आ जाते हैं, और यही प्रोफेसर मामालेट है जिन्हें अवार्ड मिलने वाला है। अब आगे बढ़ने के लिए इन्हें पुलिस चीफ का सिक्योरिटी कार्ड और गवर्नर की आईज स्कैन चाहिए। तो बुल्फी सबसे पहले गवर्नर को अपनी बातों में फंसाता है, और साथ ही वो उसकी रिंग भी चुरा लेता है और बात को उसके साथ फोटो क्लिक भी करवाता है। वही पुलिस भी अपनी टीम को सावधान रहने को बोल देती है।
अब ये बुरे बंदों की टीम भी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, जहां वुल्फ ने सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया था। लेकिन जाते वक्त वुल्फ एक बूढ़ी दादी को गिरने से बचाता है। वो बूढ़ी दादी उसे बहुत अच्छा बच्चा कहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर अच्छाई का करंट दौड़ने लगता है। साथ ही उसकी पूंछ भी निकल आती है, लेकिन वो दोबारा बुरे बंदों के रूप में आ जाता है, जहां वेब्स का काम होता है सारे कैमरास को हैक करना, और शार्क का ये काम होता है सभी को अपनी बातों में उलझाना, जहां वो कहता है कि मुझे बच्चा होने वाला है, जिसका फायदा उठाकर वो पहले वाले रूम में आते हैं। और वुल्फी ने जो गवर्नर के साथ फोटो खींचा था, तो वो उनके प्लान में शामिल था, जिसकी वजह से वो बड़ी ही आसानी से गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड के पास पहुंच जाते हैं, और गवर्नर अवार्ड देने के लिए मंच पर आती है। साथ ही वो प्रोफेसर मामा लेट को भी मंच पर बुलाती है। तभी गवर्नर बताती है कि पिछली बार एक मीटियोराइट हमारे शहर पे आ गिरा, लेकिन फिर भी प्रोफेसर मामा लेट ने उसने प्यार भरा दिल ढूंढ ही लिया, क्योंकि हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। वही पर्दे के पीछे बुरे बंदे गोल्डन डॉल्फिन चुराने ही वाले होते हैं, पर वुल्फी के हाथ से वही गवर्नर की अंगूठी गिर जाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी मशीन ऑन हो जाती है। वही वेब्स उन मशीन को हैक करना शुरू कर देती है, और वो किसी तरह से उन्हें हैक कर ही लेती है, जिसकी वजह से गोल्डन डॉल्फिन चोरी हो जाती है। सभी की आंखें उसे गायब देख फटी की फटी रह जाती हैं, और वुल्फी अपने टीम के साथ चिपके से खिसकने लगता है। तभी प्रोफेसर मामा लेट कहते हैं कि मैंने अच्छाई किसी अवार्ड के लिए नहीं फैलाई, और इससे मुझे अच्छा फील होता है। ये बात सुनकर वुल्फी की अच्छाई वाली पूंछ भी नाचने लगती है, जिसकी वजह से लोग उन्हें पहचान लेते हैं। तभी पुलिस कहती है कि इन्होंने ही गोल्डन डॉल्फिन चुराई है, तो वुल्फ बड़े ही स्टाइल में कहता है कि आपके पास क्या सबूत है। लेकिन उसी वक्त डॉल्फिन नीचे गिर जाती है, तो शार्क उसे उठाते हुए बोलता है कि मेरा बच्चा। तभी पुलिस कहती है कि घुटनों पे बैठ के हाथ ऊपर करो, तो वुल्फ अपनी बंदूक को ऊपर की तरफ करता है, ताकि वो यहाँ से भाग जाएं। तभी वुल्फी कहता है कि अलविदा गोचियों, लेकिन ये क्या, इनके जाने की बजाय इनकी पैंट ही चली गई। इसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और आज पुलिस बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके बुरे बंदूक के पकड़ने का सपना पूरा हो गया। पर तभी वुल्फी के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है, और वो प्रोफेसर मामा लेट से कहता है कि क्या हमें सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए, हमारे अंदर की अच्छाई को बाहर नहीं आना चाहिए। तो प्रोफेसर उसकी बात मानकर उन्हें खुद ही सुधारने की बात को भी किसी तरह से मना लेता है। लेकिन उसके दोस्तों को समझ नहीं आता कि वुल्फी क्या करने वाला है, तो वुल्फी कहता है कि बस हम अच्छे बनने का ड्रामा करेंगे, और दोबारा जाकर गोल्डन डॉल्फिन को चुरा लेंगे, फिर वहाँ से फरार हो जाएंगे। ये बात सुनकर सारे बंदे खुश हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर मामा लेट उन्हें अपने पास बुलाता है, जहाँ बिराना कहता है कि ये पिछवाड़ा किसका है। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि ये पिछवाड़ा नहीं है, लेकिन बिराना फिर से कहता है कि यार इतना बड़ा पिछवाड़ा किसका हो सकता है, जिससे प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो फिर से इन्हें अच्छे बनने की ट्रेनिंग देने लगता है, पर हर बार बुरे बंदे गड़बड़ कर देते हैं और अपनी उल्टी फुल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जहां वो अच्छे बनने की सारी प्रैक्टिस में फेल हो जाते हैं। फिर गवर्नर उनके पास आकर उन्हें बहुत डांटती है, और वुल्फी से कहती है कि अगर तुम अच्छे बन गए तो तुम अपने दोस्तों की जिंदगी सुधार सकते हो और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। तो वुल्फी भी सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक कैट की आवाज आती है, तो वो उसे बचाने उसके पास जाता है, पर वो तो वुल्फी को देखकर डर जाती है, लेकिन वुल्फी उसे बहुत ही प्यार से उसे बचा लेता है। वहीं प्रोफेसर मामा लेट ने उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी होती है, और कहता है कि मैं इससे साबित कर दूंगा कि तुम सुधर सकते हो। फिर न्यूज में भी इनकी वीडियो आ जाती है। अब प्रोफेसर मामा लेट के इवेंट का दिन आ जाता है, जहाँ बुरे बंदे चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसमें स्नेक का काम होता है कोट चुराने का, जो कि पुलिस चीफ के पास है। उसके बाद शार्क नकली डॉल्फिन को चुराएगा, और वेब्स हर चीजों को हैक करेगी। अब आंखें में बचा वुल्फी, और वुल्फी के रेड बटन दबाते ही वो डॉल्फिन को बदल देंगे। अब ये होता है इन बुरे बंदों का प्लान। अब वो सारे इवेंट में पहुँचते हैं, जहाँ वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लोग उनसे डरने की बजाय उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी बुरे बंदी अपने प्लान में लग जाते हैं, जहां स्नेक पुलिस चीफ के हाथ में आ जाता है और पुलिस चीफ उसे गिलास समझ लेती है। तो पिराना स्नेक को बचाने के लिए एक धांसू गाना गाने लगता है, जहां सभी उसके गाने को बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच स्नेक कोर्ट का नंबर देख लेता है। वुल्फी और गवर्नर डांस करने लगते हैं और बुरे बंदे हर तरफ छा जाते हैं। साथ ही वुल्फी के अंदर अच्छाई जागने लगती है, जिसकी वजह से वो रेड बटन नहीं दबा पाता और प्लान अधूरा रह जाता है। उसके दोस्त ये देखकर हैरान रह जाते हैं और वुल्फी खुशी खुशी डॉल्फिन प्रोफेसर मामालेट को दे देता है। पर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पीछे रखा मीटियोराइट चोरी हो जाता है। सारा इंजाम बुरे बंदों पे लग जाता है, बल्कि इन बेचारों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। तभी वुल्फी भागते हुए गवर्नर को एक एड्रेस देता है और ये कहता है कि मैं सब कुछ वापस कर रहा हूँ, और पुलिस चीफ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी प्रोफेसर मामालेट उनके पास आकर बोलता है कि चोरी तुमने नहीं की। यहाँ हमें पता चलता है कि चोरी प्रोफेसर मामालेट ने ही की है और ये तो बस अच्छे बनने का ड्रामा कर रहा था। तभी प्रोफेसर मामालेट कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दूंगा। वहीं गवर्नर को वुल्फी पे विश्वास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो वुल्फी के दी हुई एड्रेस से उनके अड्डे पर जाती है। वहीं बुरे बंदों को सुनसान टापू पर लाया जाता है। तभी वहाँ कोई लड़की आकर पुलिस वालों की बैंड बजाना शुरू कर देती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि गवर्नर ही होती है। और ये भी कभी सबसे बड़ी वाली चोर हुआ करती थी, जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। अब गवर्नर बताती है कि मुझे पता है कि मीटियोराइट तुमने नहीं चुराया, बल्कि प्रोफेसर मामालेट ने ही चुराई है। पर वुल्फी के दोस्त उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं कि अब हमारी दोस्ती खत्म, और वुल्फी उनके जाने से सदमे में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मामालेट ने मीटियोराइट को पावर मशीन में डाल दिया है, जिसकी वजह से वो हर पिक्स को कंट्रोल कर पा रहा था। वही गवर्नर भी वुल्फी को अपनी लाइफ स्टोरी सुना रही होती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोर थी, फिर एक दिन मैंने गोल्डन डॉल्फिन को भी चुरा लिया, पर तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की नज़र में एक चालाक लोमड़ी के अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने लोगों को सताना छोड़कर उनकी मदद करना स्टार्ट कर दिया। तभी वहाँ एक हिप्नोटाइज गिनी पिग आ जाता है। अब गवर्नर वुल्फी को अपने एक सीक्रेट अड्डे पर लाती है, जहाँ वो प्रोफेसर मामालेट को रोकने की प्लानिंग करने लगते हैं। वहाँ उन्हें ये भी पता लगता है कि वो 100 करोड़ रुपए चुराने वाला है। तो वो कहते हैं कि हमें प्रोफेसर मामालेट और गिनी पिग की कनेक्शन को हटाना होगा, यानी कि हमें मीटियोराइट को चुराना होगा। वही सारे बुरे बंदे अपने अड्डे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अब कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं। तभी स्नेक को फ्रिज में एक आइस कैंडी मिलती है, लेकिन शार्क के रोने की वजह से वो उसे अपनी आइस कैंडी दे देता है। तो ये देखकर वो सारे कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने एक अच्छा काम किया है, और तभी उन सब की भी पूछ हिलने लगती है, लेकिन स्नेक इससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वही प्रोफेसर ने पैसों से भरे ट्रकों को अपनी कंट्रोल में ले लिया था। वही वो दोनों भी वहाँ पहुँच चुके थे, जहाँ वो प्रोफेसर मामालेट की जाल में फंस जाते हैं। तो वुल्फी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं। तभी स्नेक वहाँ आता है, जो कि अब प्रोफेसर मामालेट के साथ मिल चुका था। तभी स्नेक प्रोफेसर मामालेट का हेलमेट उतारकर पहनता है और वो उन दोनों को मार डालने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ वेब्स पिराना शार्क आकर उन्हें बचा लेते हैं। वुल्फी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो सारे मिलकर किसी तरह से मीटियोराइट को चुरा लेते हैं, पर फिर भी मीटियोराइट का कनेक्शन नहीं टूटता। तब वो ट्रक को रोकने के लिए हैकिंग डिवाइस लगाने लगते हैं और ये अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, जिसके बाद गवर्नर पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है और उन्हें भी वहाँ आने का बोलती है। वो सभी मीटियोराइट को पहुँचाने पुलिस स्टेशन आते हैं, पर तभी वुल्फी को स्नेक की याद आने लगती है और वो कहता है कि हम स्नेक के बिना कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। तो वो स्नेक को लेने चले जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर मामालेट ने स्नेक को नीचे फेंक दिया। तो वुल्फी और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए जंप लगा देते हैं। स्नेक कहता है कि तुम लोग मुझे बचाने आए, जहाँ वो लोग किसी तरह से गिरने से बच जाते हैं। तभी पुलिस चीफ उन्हें पकड़ लेती है, जहाँ गवर्नर कहती है कि इन्होंने मीटियोराइट नहीं चुराई। तभी सारे बुरे बंदे खुद ही गिरफ्तार होने लगते हैं। ये देखकर पुलिस चौंक जाती है। तभी वहाँ प्रोफेसर मामालेट भी आ जाता है और अपनी भाषण देना शुरू कर देता है।
पर तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो मीटियोराइट है ही नहीं। तो स्नेक बताता है कि कैसे मेरे अंदर भी अच्छाई आ गई थी, मैंने इस नकली मीटियोराइट को असली मीटियोराइट से बदल दिया। और तभी स्नेक असली मीटियोराइट को ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर मार्मलेड की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। तभी पिराना प्रोफेसर मार्मलेड से कहता है कि वो पिछवाड़ा ही था, और पुलिस प्रोफेसर मार्मलेड को गिरफ्तार कर लेती है। सारे बुरे बंदे एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी बुल्फी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि फ्रिज में आइस कैंडी किसने रखी? तो स्नेक कहता है कि क्या तुमने, और सब हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई सी भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।